तो गाइज आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्या अंडरटेकर वर्सेस जॉन सीना वाकई में होगा कि नहीं, क्या रोमन रेंस होंगे पॉल हैमन के न्यू क्लाइंट, साथ ही साथ कवर करेंगे दिन की सारी खबरें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मिक्स्ड मैच चैलेंज के फिनाले की, जो कि जीत लिया है आस्का और द मिस की टीम ने। यहां फिनाले में उन्होंने बॉबी रूड और शार्लेट की टीम को हरा दिया है और $100,000 का प्राइज जीत लिया है। लेकिन अब हम चलते हैं दूसरी न्यूज के ऊपर, जो कि जुड़ी हुई है द ब्रह्मा बुल द रॉक से। तो दोस्तों लगभग दो हफ्ते पहले ही मैंने आपको अपडेट दिया था द रॉक के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि द रॉक को एलायंस के साथ बुक किया जा सकता है एक सिंगिंग कॉन्सर्ट में। साथ ही साथ न्यूज ये आ रही है कि द रॉक को यहां WWE भले एडवर्टाइज ना करे, लेकिन यहां द रॉक रेसलमेनिया में अपनी वापसी करेंगे ही करेंगे। लेकिन अब हम चलते हैं तीसरी बड़ी अपडेट पे, जो कि जुड़ी हुई है रेसलमेनिया के किकऑफ मैचेस से। तो दोस्तों किकऑफ मैचेस हो चुके हैं कंफर्म। पहला मैच जो किकऑफ में होने वाला है वो होने वाला है क्रूजरवेट चैंपियनशिप का फिनाले, जिसमें सेड्रिक अलेक्जेंडर फाइट करेंगे अगेंस्ट मुस्तफा आली फॉर द क्रूजरवेट चैंपियनशिप। दूसरा मैच होने जा रहा है वुमेन्स की बैटल रॉयल और तीसरा मैच होगा दोस्तों आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल। लेकिन अब हम चलते हैं अगली न्यूज के ऊपर, जो कि जुड़ी हुई है सीना वर्सेस अंडरटेकर से। तो दोस्तों ये काफी बड़ा टॉपिक है, जिसपे मैंने कल आपको एक ब्रीफ में वीडियो बताकर दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और आप सारा का सारा टॉपिक समझ जाएंगे। तो दोस्तों यहां मेरे अनुसार ये मैच हो सकता है एक अनअनाउंस्ड मैच, लेकिन एक्सपर्ट का मानना कुछ और ही है। PW इनसाइडर के माइक जॉनसन के अनुसार अंडरटेकर रेसलमेनिया में एक सरप्राइज फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन यहां मामला कुछ और ही है। यहां माइक जॉनसन का मानना यह है कि उन्होंने WWE के एम्प्लॉय से ये बात पता की और जिससे वो एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि किसी ने भी उन्हें ये नहीं कहा कि अंडरटेकर यहां फाइट करने वाले हैं, यानी अंडरटेकर की सिर्फ एक अपीयरेंस होगी जहां वो जॉन सीना के साथ फेस ऑफ कर सकते हैं। अब बात की जाए कि वाकई में फाइट होगी कि नहीं, तो ये काफी बड़ा टॉपिक है। यहां मेरे अनुसार तो ये अनअनाउंस्ड मैच होगा और वाकई में ऐसा ही होना चाहिए और होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा ही हो। लेकिन अगर माइक जॉनसन की बात सच होती है तो दोस्तों हम ये मान के चल सकते हैं कि फ्यूचर में हमें ये मैच देखने को मिल सकता है अगर फेस ऑफ होता है। लेकिन अब हम चलते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि जुड़ा हुआ है रोमन रेंज से। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रोमन रेंज अपना हील टर्न कर सकते हैं इस रेसलमेनिया में, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर WWE को छोड़ रहे हैं और यहां अगर पॉल हैमन WWE के साथ जुड़े रहते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ है, तो वो किसके नए क्लाइंट होंगे, कौन उनका नया क्लाइंट होगा और किसके वो एडवोकेट होंगे। वेल बात की जाए, यहां माना जा रहा था कि रोमन रेंस के साथ वो जुड़ सकते हैं और एक अपना अलग से स्टेबल बना सकते हैं। और ऐसा ही जुड़ा हुआ सवाल उनसे पूछ लिया गया एक इंटरव्यू के दौरान, जहां उनसे पूछा गया कि आप ब्रॉक लेसनर के डिपार्चर के बाद किस रेसलर के साथ जुड़ सकते हैं। तो इस पे पॉल हैमन का कहना यह था कि मेल डिवीजन में किसी ऐसे रेसलर को ढूंढना मुश्किल है जो कि ब्रॉक लेसनर की जगह ले पाए, लेकिन फीमेल डिवीजन में मैं रोंडा राउजी में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। सिंस बात की जाए रोंडा राउजी के माइक स्किल्स की, तो आप और हम सभी जानते हैं उतने खास नहीं है, वो माइक पे इतनी अच्छी नहीं है। साथ ही साथ वो भी ब्रॉक लेसनर की तरह UFC से आई है, फॉर्मर UFC फाइटर रह चुकी है, चैंपियन रह चुकी है। अब बात की जाए यहां पॉल हैमन अगर रोंडा राउजी के साथ जुड़ते हैं तो ये रोंडा राउजी के लिए काफी अच्छी चीज होगी। वहीं बात की जाए रोमन रेंस की, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें पॉल हैमन की जरूरत है और देखने वाली बात यह होगी इस बार की रेसलमेनिया में कि उनकी फाइट ब्रॉक लेसनर के खिलाफ कैसी होती है और कैसे वो अपनी जीत अर्जित करते हैं। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। साथ ही साथ ये भी बताइए कि पॉल के लिए रोंडा सही है या फिर रोमन रेंस। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।